वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में मंत्रालय स्तर पर लंबे समय से प्रतीक्षित सरकारी अस्पताल के प्रस्ताव को स्वीकृति करने के लिए युवक कांग्रेस द्वारा पालक मंत्री राउत को अस्पताल निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है जिसकी आबादी 100,000 है और यह एक परिवहन केंद्र है। चाहे वह कोरोना हो, डेंगू हो या आम बीमारी, गरीबों, मजदूरों और आम जनता को स्वास्थ्य देखभाल के लिए महंगे निजी इलाज पर निर्भर रहना पड़ता है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक के प्रयासों से वाड़ी के नवनीत नगर क्षेत्र में डिफेंस दल को वरिष्ठ स्वीकृति मिली और प्रस्ताव नागपुर जिला कलेक्ट्रेट के वाड़ी नगर परिषद के लिए मंत्रालय में स्वीकृत के लिए भेजा गया। हालांकि 7 साल बाद भी अस्पताल शुरू नहीं हो सका क्योंकि सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए युवक कांग्रेस और अन्य तत्वों की भूख हड़ताल लिपि ज्ञापनों और आंदोलनों के माध्यम से तत्कालीन भाजपा सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। दुर्भाग्य से कार्रवाई और मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसके लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसे अब जनता मानती है। हिंगना विधानसभा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अश्विन बैस ने कहा कि हिंगना विधानसभा तथा वाड़ी को इस सरकार से काफी उम्मीद है। उन्होंने वाड़ी के लोगों से अस्पताल के मुद्दे पर तुरंत विचार करने का भी अनुरोध किया, जो कि वाड़ी के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या है और मंत्रालय में प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दिलाने और वाड़ी में सरकारी अस्पताल का काम शुरू करने का प्रयास करे, ऐसा अनुरोध किया गया। इस दौरान कुंदा ताई राउत, अश्विन बैस, अध्यक्ष हिंगना विधानसभा युवक कांग्रेस, शशिकांत थोटे, मिथुन वायकर, पीयूष बांते, शुभम पिंपर शिंदे आदि उपस्थित थे। काल आम्ही पालकमंत्री नितीन जिराऊत साहेबांना निवेदन दिले की वाडीत शासकीय रुग्णालय लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावं। वाडीची जनसंख्या ही 1 ते 1.5 लाख जनसंख्या असल्यानंतरही वाडीला एकही शासकीय रुग्णालय नाही। एवढा मोठा ट्रान्सपोर्ट हब आहे वाडी, तरी वाडीत एकही शासकीय रुग्णालय नाही। म्हणून आम्ही पालकमंत्री साहेबांना निवेदन दिलं व विनंती केली की साहेब वाडीत शासकीय रुग्णालय लवकरात लवकर देण्यात यावं। माजी केंद्रीय मंत्री मुकुलजी वासनिक साहेब जेव्हा केंद्रीय मंत्री होते यांनी वाडीला शासकीय रुग्णालय मंजूर करून दिलं होतं, पण ही कुठंतरी फाईल अटकलेली आहे। म्हणून आतापर्यंत हे समोर करण्यात यावी व लवकरात लवकर वाडीला शासकीय रुग्णालय मंजूर करून देण्यात यावं ही विनंती केली। आणि एवढा मोठा वाडीला नगर परिषद 7 वर्ष झाले तरी शासकीय रुग्णालय नाही, खूप मोठी गंभीरतेची बाब आहे। वाडीचा कोणताही आजार असो, कोरोना असो किंवा कोणताही आजार असो, तरी पण वाडीला आतापर्यंत शासकीय रुग्णालय मिळालं नाही। वाडीची जनता ही खूप त्रासलेली, वाडीच्या जनतेला एक तर हिंगणा किंवा नागपूरकडे जावं लागते। म्हणून आम्ही पालकमंत्री साहेबांनी सर्व लक्षात आणून दिलं व साहेबांना विनंती केली की साहेब लवकरात लवकर काहीतरी आपण कारवाई करा। तर साहेबांनी म्हटलं की हो आम्ही काही ना काही करतो, तर आम्ही साहेबांना म्हटलं की साहेब लवकरात लवकर करा, अन्यथा आम्हाला धरणं आंदोलन वगैरे करावं लागणार। पण वाडीला आता वाडीच्या जनतेला न्याय करून द्या अशी एवढी विनंती व वाडीच्या जनतेला आता शासकीय रुग्णालय मिळवून द्या ही विनंती। धन्यवाद। बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।